समय कुछ इतना हो रहा है, सोया नहीं पूरी रात में। लेट्स सी अब क्या होता है। फॉर द बेस्ट 4 बजे हैं, अभी 5 बजे रिजल्ट आता है आईटीपी का। तो 15 दिन में इतने बैंड फर्स्ट ट्राई में, तो मेरे टोटल बैंड्स आपको दिखा देता हूँ। व्हाट इज अप गाइस, भाई जुगाड़ देख रहे हो, फ्लैश जला के मैं वीडियो बना रहा हूँ और टाइम बता देता हूँ मैं। भाई ये देखो भाई, समय कुछ इतना हो रहा है, 31 मार्च है और आज ही वो दिन है आई थिंक जब मेरा रिजल्ट आने वाला है। भाई 4 बजे हैं अभी, 5 बजे रिजल्ट आता है आईटीपी का और ठंड लग रही है और डर लग रहा है, दोनों एक साथ लग रहा है अंदर। तो मेरे रूममेट सो रहे हैं इसीलिए मैं अंदर वीडियो नहीं बना रहा, बट भाई जो डर अभी लग रहा है ना भाई, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या बनेगा क्या होगा। भाई पेपर तो आपको पता ही है, पिछला व्लॉग देख लिया आपने, मैंने बताया था अच्छा ही हुआ था। भाई टाइम नहीं पास हो रहा यार, सोया नहीं पूरी रात में। लेट्स सी अब क्या होता है, फॉर द बेस्ट। ओह भाई ठंड लग रही है, तो मिलता है भाई बाद में। सो व्हाट इज अप गाइस, ये अब सीन जो है ये 2 दिन बाद का है, क्योंकि उस दिन मैंने रिजल्ट चेक कर लिया था लेकिन वो डर वो एक्साइटमेंट में मैंने कैमरा नहीं ऑन किया और मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया। तो अभी मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ और शायद अब मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने किया था वो सही था। तो पहले सीधा चलते रिजल्ट पे। तो भैया यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका रिजल्ट, ये आईडीपी की वेबसाइट है, आपको मेल आता है। मैं आपको पहले मेल बताता हूँ, ये मेल होगा, मैंने स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया। और इसके एक लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यूज़र नेम ऐसे दिया होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको सेट करना पड़ता है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उस दिन आपको मिल जाता है वो, और वहाँ से आपको मिल जाएगा ये। तो भैया ये है आईएलटीएस का रिजल्ट, इसका मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया, TRF कहते हैं इसको। और ये 2 दिन बाद आते हैं, जब आप फ़ोन में निकालोगे ना अपना तो कुछ ऐसा दिखेगा। फिर अब 2 दिन बाद जब आप ETRF निकालोगे, टेस्ट रिजल्ट फॉर्म जो होता है, तो फिर वो ये मिलेगा आपको। अब इसको मैं आपको बार बार इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसमें मेरा कैंडिडेट नंबर, मेरा पासपोर्ट नंबर सब कुछ लिखा हुआ है और मैं यही चाहूँगा कि आप भी किसी को फालतू दिखाओ ना। तो मेरे टोटल बैंड्स आपको दिखा देता हूँ मैं, मेरे ओवरऑल 7 आए हैं, स्पीकिंग में 6.5 आए हैं, राइटिंग में 6.5 आए हैं, रीडिंग में 6 आए हैं और लिसनिंग में 8 आए हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ से खींच लिए मैंने। और अगर आपको याद होगा, फ्लैशबैक में जाओ और पिछले व्लॉग में से अगर आपको याद हो मैंने क्या बोला था, एक बार याद करो। अगर मेरा स्पीकिंग और राइटिंग निकल गया ना तो भाई मेरे आराम से 7, 7.5, 8 मिनट कहीं नहीं गए। पहले मैं 6, 6.5 एक्सपेक्ट करता था, मैं 7 पे आ गया क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ ये वाला। तो उसके हिसाब से मेरे लिसनिंग में उतना ही आया और मुझे डर था स्पीकिंग का और राइटिंग का, उस दोनों में भी सही आ गए भाई, पर रीडिंग मेरे दिमाग में भी नहीं था। रीडिंग को भाई से टफेस्ट मॉड्यूल माना जाता है लेकिन कर लिया भाई। और ये मैंने टोटल अगर देखा जाए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं हाफ डे लगाता था, वैसे फुल डे होता है, 9 to 6 होता है हर इंस्टीट्यूट का टाइम मोस्टली, बट मैं 2 बजे वापस आ जाता था। तो इस हिसाब से 30 दिन लगाए, मतलब 15 दिन मान लो, 15 डेज फुल लगाए मैंने। तो 15 दिन में इतने बैंड फर्स्ट ट्राई में आ गए भाई। अब आगे आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, और जिसका जिसका रिजल्ट है, जिसका जिसका एग्ज़ाम है, जो भी देख रहा है, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत देखा था। और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना ये वाला, इसको करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था भाई। मैं ढूंढता रहा था, वो मेल आ जाता है, ये मेल का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको मैं। इस मेल में क्लिक हेयर का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको सब कुछ जो जो दिया होता है वहाँ पर भरते जाओ। आपको पासपोर्ट भरना पड़ता है, फ्रंट एंड बैक की फ़ोटो डालनी पड़ती है वहाँ पर। और जितना मेरे देखो मेरे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना जल्दी मैंने वो भर दिया था, पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक डाल दिया था, उतनी ही जल्दी मेरी स्पीकिंग की डेट आ गई थी। क्योंकि मैंने डाला था ऑलमोस्ट मेरा 11 को आई थिंक मेल आ गया था, 11 या 12 वो मेरे याद नहीं है, और 14 को मेरा स्पीकिंग हो गया था, तो मेरे को 13 को पता लग गया था कि मेरा स्पीकिंग अगले दिन है। तो ऐसा कुछ था सीन। तो जितना जल्दी भर दोगे उतना जल्दी आपको स्पीकिंग की डेट मिल जाएगी। और सेकेंडली अब रिज़ल्ट की बात है, तो मैं कहूँगा कि यार रिज़ल्ट तो 12 दिन बाद चेक करना शुरू कर दो। मैंने रैंडमली तुक्का था मेरा कि आज आ जाएगा, तो उसी दिन आ गया था। मैं बहुत टेंशन में था 2-3 दिन से था, और उसी दिन आ गया, बट उस दिन मैं कैमरामैन ऑन करना भूल गया और सारा सीन ख़राब हो गया। बट रिज़ल्ट आपके सामने है, ये है। और अब मिलते हैं आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, क्योंकि मैं अभी फाइल देखूँगा, फाइल जैसे भी ऐसे प्रोसेस होगा वो, इसलिए शायद अगली वीडियो में डिले हो सकता है। लेकिन अपने पास बॉयज़ हॉस्टल है तो हमारे पास कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप गोइंग।
सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक अभी मैं कोर्स वगैरह ढूंढ रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कोर्स, क्योंकि मैं देखो साथ में मैंने ऑस्ट्रेलिया की SOL लिस्ट खोली हुई है, उसके साथ में मैंने ये भी खोला हुआ है, जल्द आपको अगली वीडियो में वो भी मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लो अगर कोर्स वगैरह भी अगर ढूंढने में मदद चाहिए या फीस वगैरह के लिए भी देखना है, तो पूरा प्रोसेस की वीडियोज आएंगे आगे, तो मिलते हैं जल्दी।